तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली जोर बाग के अंदर, बहुत ही अच्छा मकबरा दिखाने के लिए, जो कि दिल्ली का सबसे खूबसूरत मकबरा है। तो यहाँ का नज़ारा ताजमहल से बहुत ही अच्छा नज़ारा अमेजिंग करता है। तो यहाँ पर हमने टिकट ले लिया और चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं नज़ारा सारा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो गाइस, हम आ चुके हैं अंदर और जो आप देख पा रहे हैं, ये जो दिल्ली का मुग़लों का आखिरी मकबरा जो दिल्ली में, ये आप देख पा रहे हैं, ये ताजमहल के तरीके से बिल्कुल बनाया हुआ है। तो ये दो मंजिला इमारत जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तीन पैलेस थे, जैसा कि एक जंगल महल था, इसके अंदर महल बने हैं, जैसा कि एक जंगल महल है, और दूसरा आपको यहाँ पर मोती महल देखने को मिलेगा, और तीसरा जो आप देख पा रहे हैं पैलेस ऑफ वुड्स, जो कि इसके अंदर तीन महल बने हुए हैं, जो कि मुग़लों की निशानी है, जो कि आखिरी निशानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगरा के जैसा बिल्कुल बनाया हुआ मुग़लों का ये नमूना जो आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस, नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने दूर दूर से लोग बाग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देख सकते हैं विदेशों से। तो गाइस, ये G20 के दौरान ये जो यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग हुई है, इसलिए ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये बलुआ पत्थर और संगमरमर के पत्थरों से मिलकर ये मकबरा बनाया है मुग़लों ने। तो ये जो आप देख पा रहे हैं मकबरा, ये 250 साल पुराना ये मकबरा आपको दिल्ली के अंदर जोर बाग में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर सामने ये एंट्री गेट है, जो कि ये है कार्यालय कक्ष, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो गाइस, चलते हैं इसके ऊपर और ऊपर का। तो गाइस, ये सामने का आप नज़ारा देख सकते हैं, पार्क एरिया, ये पार्क एरिया बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये गाइस मुग़लों की तीन मकबरे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। पहले नंबर पर आता है आपका आगरा का ताजमहल, दूसरे नंबर पर आता है आपका हुमायूं टॉम्ब, तीसरे नंबर पर ये जो आप देख पा रहे सफरनगंज का मकबरा और हुमायूं टॉम्ब, बिल्कुल एक तरह से क्रिएट करे गए हुए हैं यहाँ पर। आपने अगर देखा होगा नज़ारा तो आपको पता होगा ज़रूर। तो ये सारा नज़ारा देखने के लिए आपको नियर मेट्रो स्टेशन, जो कि आपका जोर बाग होगा, मेट्रो स्टेशन की 500 मीटर की दूरी पर यह सारा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सपोर्ट ज़रूर करें, जिसको आप सपोर्ट करते रहें गाइस, इसी प्रकार और भी अच्छे अच्छे नज़ारे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। और सामने का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, वाह, जूम करके दिखाते हैं सारा नज़ारा। ये नज़ारा कुछ इस प्रकार, दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको ऐसे नज़ारे देखने को ना मिले, इसीलिए दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसों वालों की। तो गाइस, यहाँ जो आप सामने देख सकते हैं, किसी टाइम में मुग़लों के राज में यहाँ पानी होता था, फुब्बारे वगैरह, रात का नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता था यहाँ पर। और अंदर आने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और 25 रुपये वसूल आपके बहुत ही सही तरीके से होने वाले हैं, जो कि आप नज़ारा देख पाएंगे अच्छा अच्छा तो गाइस, ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरी तरह से ये कपल्स एरिया है, यहाँ पर हर तरह के आपको कपल्स देखने को भी मिलेंगे, आप देख भी सकते हैं हर तरह। आपको फिर एक बार जूम करके दिखाता हूँ नज़ारा, देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेगा 250 साल पुराना, यहाँ पर अभी भी कुआं मौजूद है, देखिए अभी भी इस कुएं में पानी है। तो गाइस, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं सारे दरवाज़ों में ताला लगा हुआ है, और यहाँ छिपा हुआ है मुग़लों के कई राज, जो यहाँ पर खुलने के बाद ही पता चलेंगे। सामने से भी देख सकते हैं, चारों तरफ से एक ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये अब दिल्ली का, और ये मकबरा दिल्ली का बहुत ही खूबसूरत मकबरा है, यहाँ पर
फॉरेन कंट्री के लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। तो अब गाइस दिखाते हैं इसके अंदर का नज़ारा। जैसा कि आपने देखा होगा तो कमेंट ज़रूर करें और देखें सारा नज़ारा। तो ये जो आप देख सकते हैं संगमरमर के पत्थरों से बनाया हुआ ये सारा नज़ारा। तो गाइस यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर से जो डिज़ाइन की गई है बहुत ही सुंदर। और ये जो आप कब्र देख पा रहे हैं सफरतगंज की बेगम की है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगमरमर के पत्थरों से ये बनाया हुआ नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं ऊपर। और ये गाइस दो मंजिला इमारत है और यहाँ पर तीन महल बनाए गए थे, जैसा कि आप पहला मोती महल और दूसरा आपका पहले सौ पुष्ट और तीसरा जो आप देख सकते हैं ये जो क्रिएट किया गया सारा नज़ारा। तो गाइस इसको दिल्ली का एक भूल भुलैया भी बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं। ये दिल्ली का भूल भुलैया एक की तरह भी बनाया हुआ है। देखिए दरवाजे ही दरवाजे चारों तरफ। तो गाइस आज भी इसके अंदर मुगलों का 250 साल पुराना खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। जितनी भी गुप्त जगहें हैं वो सारी बंद कर रखी है यहाँ पर और नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं यहाँ पर तो आपका नियर मेट्रो स्टेशन जो कि जोरबाग होगा 500 मीटर की दूरी पर आपको ये सारा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।